मामा की किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मामा की किचन में बन रहा है फलिया कीमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले और आल पे क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब शुरू करते हैं रेसिपी। फलिया कीमा बनाने के लिए आधा किलो मैंने फलिया ली है और आधा किलो ही मैंने कीमा लिया है। दो प्याज दरमियाने साइज के, बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं। एक टमाटर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तीन हरी मिर्ची जो है मैंने काट ली हैं और दो हरी मिर्चें जो है मैंने रख दी हैं, जो मैं लास्ट में आते वक्त डालूंगी। और दो चम्मच हमें दही चाहिए। प्याज को कर लेंगे हम लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना है। एक कप मैंने ऑयल लिया है। जब मैं मसाला भून लूँगी तो मैं इसमें से थोड़ा ऑयल निकाल लूँगी। वजह ये है कि जो दाल वगैरह हम बनाते हैं उसमें मैं ये ऑयल जो है उस पर मैं डालूँगी, ठीक है। अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं वापस डाल सकूँगी। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा डाला है मैंने पानी, वो इसलिए कि अदरक लहसुन जो है वो पक जाए, का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, उसकी स्मेल ना आए। क्योंकि अक्सर जो है अदरक लहसुन कच्चा रह जाए तो उसकी जो है बहुत ही अजीब सी स्मेल जो है आती है खाने में से, एक सारे खाने का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो अदरक लहसुन मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। अच्छा, टमाटर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि दही भी साथ में डालना है तो जो हमारा जो सालन है वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो हमारे घर में इतना खट्टा पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं एक टमाटर डालूंगी और साथ में दो चम्मच दही डालूंगी। टमाटर को मैंने थोड़ा सा भूना है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी पानी। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जो है सूखी मिर्च, 1 टीस्पून मैं डालूंगी हल्दी, 1 टीस्पून मैं डालूंगी नमक। अच्छा, सुरख मिर्च जो है मैंने 2 टेबलस्पून डाली है, वो इसलिए कि मुझे थोड़ा तीखा सालन बनाना है, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें खाने वाले दही डाला है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और फिर कीमा डाल के भूनूँगी। और अगर आपके सालन में जो है ऑयल कम हो जाए, मसाला भून के ऑयल निकाल लें, तो अगर आपको सालन में या डोंगे पे ऑयल डालना हो तो आधा कप मैंने ऑयल निकाल लिया था ताकि ऊपर से डाल सकूं, ठीक है। अगर कम लगे तो मैं ऊपर से डिश के ऊपर डाल सकूं। इस कीमा भूना 5 मिनट के लिए मैंने कीमे को भूना, और फिर मैंने 1 कप पानी डाल के 5 मिनट के लिए कीमे को प्रेशर लगा दिया। मैंने 5 मिनट कीमे को लगा दिया प्रेशर, फिर मैंने फलिया डाल के सिर्फ 2 मिनट भूना है, और अब मैं 1 कप पानी डाल के जो है इसको प्रेशर लगा दूंगी फलियों को। और फलियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाना है, वरना वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगी कि जो अच्छी नहीं लगेंगी। फ्लेवर्स मैंने प्रेशर खोल दिया है और फलियाँ जो है वो गल चुकी हैं। आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर फ्रेश फलियाँ हों तो सिर्फ 2-3 मिनट का ही प्रेशर लगाएँ। उसकी वजह ये है, मैंने 5 मिनट का इसलिए लगाया क्योंकि मेरी फलियाँ जो थी वो 2-3 दिन की पुरानी पड़ी हुई थी, मैंने पहले से निकाल के रखी थी। तो आप जब फ्रेश फलियाँ ले तो वो सॉफ्ट होती हैं, तो उनको इतनी देर का प्रेशर नहीं लगाना है, उनको सिर्फ 2-3 मिनट का ही लगाना है और वो गल जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो डालूँगी, और मैं इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, वो सूखा सूखा जो है उस तरह नहीं रखना है। इसके साथ जो है रायता बनाऊँगी मैं और सलाद बनाऊँगी, और अगर आप चाहें तो साथ में खमीरी रोटी मंगवा लें, या नान, या सिंपल रोटी, घर की रोटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप इंजॉय करें। मैं जो हूँ इसे 2-3 मिनट के लिए भूनूँगी।
हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी और फिर मैं इसे दम पर रख दूंगी। इसमें जो है आधा कप ही ऑयल है, क्योंकि मैंने आधा कप ऑयल निकाली है, इसमें बाकी जो ऑयल है वो आधा कप ही है। ठीक है, हमारी कीमा फलियाँ हो गई हैं तैयार, जो बहुत ही मज़ेदार है। इसको ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, ये देखिए इसी तरह का रहे, क्योंकि वो ज़्यादा खुश्क हो जाएगी तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने दम के लिए रखी थी, अब मैं इसे हल्का सा दे दूँगी बस दम, 5 मिनट के लिए इसे मैं दम पर रख दूँगी। ठीक है, और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं, उतार सकते हैं। को दम लगाते वक्त इसमें एक चुटकी गरम मसाला डाल दें। यह हो गया है रेडी, देखिए इसका फाइनल लुक। या हमीरी रोटी या सिंपल रोटी के साथ ही आप इसे खा सकते हैं, इसके साथ जो है सलाद और रायता बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे दे इजाज़त, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।